हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा ईसीसी के विड्रॉल के बारे में। ईसीसी का विड्रॉल जो है अब स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल लगाने के बाद आपको जो है कि आधे से एक घंटे के बाद आपको विड्रॉल आपके ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा। क्या प्रोसेस है, सारी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ पर लिंक कर देना है, ठीक ना। तो प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे, विड्रॉल वाले सेक्शन में आएंगे, वॉलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के वॉलेट दिखेंगे। पहला है इथीरियम, दूसरा है EIFI और तीसरा है ECC BSC का एड्रेस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चले जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी एड्रेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करना है, उसके बाद ऐड कस्टम टोकन कर देना है। ऐड कस्टम टोकन करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे स्मार्ट नेटवर्क का। नेटवर्क में इथीरियम होगा तो उसको कर देना है आपको BSC चेन। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देना है, नाम डाल देना है ECC और उसके बाद सिंबल में भी ECC डाल दीजिएगा, डेसिमल में 8 डाल के आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे आपका नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा इथर कनेक्ट का BEP20 के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और जनरली रिसीव पे क्लिक करना है और आपको ये एड्रेस आपका दिख जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एड्रेस और जितने भी EIFI के एड्रेस और यहाँ तक कि इथीरियम का भी एड्रेस आप चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस EIFI का एड्रेस, ये एड्रेस भी आपको सेम मिलेगा। ECC का भी एड्रेस आपको सेम मिलेगा और स्मार्ट चेन का भी एड्रेस आपको सेम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चेक करेंगे तो BUSD का भी एड्रेस सेम मिलेगा और इथीरियम अगर आप चेक करेंगे तो उसका भी एड्रेस सेम मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्मार्ट चेन का भी कॉपी करके अगर डालते हैं, स्मार्ट चेन का भी कॉपी करके अगर आप यहाँ पर सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद एक ही एड्रेस कॉपी करके आप तीनों में सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, मेल पे एक OTP आएगा, OTP के थ्रू आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। आपका एड्रेस हो जाएगा तीनों में सबमिट, ठीक है। अगर आप विड्रॉल करेंगे तो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट पर पहुँच जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ECC जो है BSC स्मार्ट चैन पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका वॉलेट एड्रेस सबमिट हो जाएगा तो आप सीधे सीधे विड्रॉल करते ही आपके ट्रस्ट वॉलेट डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा, आप एड्रेस देखिए, तीनों एड्रेस आपको दिख रहा होगा, लास्ट के डिजिट देख रहे होंगे, तीनों का तीनों सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रस्ट वॉलेट का इथीरियम का भी वॉलेट एड्रेस डाला है, EIFI भी डाला है और ECC का भी स्मार्ट चेन का भी एड्रेस यहीं पर डाला है, तो इसलिए सारे के सारे एड्रेस सेम है, ठीक है। और मैंने अपडेट कर दिया है। ये प्रोसेस हो गया आपको यहाँ पे वॉलेट एड्रेस कैसे डिपॉजिट करना है उसका, ठीक है। फिर विड्रॉल लेने के लिए आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास यहाँ 144 दिख रहा है तो मैं 144 डालूंगा और विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही विड्रॉ करूँगा मेरे मेल पे एक OTP आएगा, OTP मेरे को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मेरे को क्या करना है, OTP डालने के बाद सबमिट कर देना है, बस डायरेक्टली इतना काम करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन दिखाएगा और आपको ऑपरेशन हिस्ट्री में आ जाना है और यहाँ पे चेक करना है ECC विड्रॉल हिस्ट्री, ठीक है। पहले विड्रॉल हिस्ट्री था लेकिन अब ECC का जो विड्रॉल हिस्ट्री है उस पर चले जाना है, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे उसका दिखेगा। जैसे ही आपको ट्रस्ट वॉलेट पे विड्रॉल मिल जाए उसके बाद आप कैसे सेल करेंगे वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ईथर कनेक्ट का जो ECC का प्राइस है वो क्या चल रहा है, ठीक है। मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं 39 सेंट का चल रहा है। तो अभी जो पहले विदाउट लिस्टिंग से पहले इसका प्राइस जो कि ईथर कनेक्ट पर चल रहा था 47 सेंट का, ठीक है। वहीं अगर आप ईथर कनेक्ट के वेबसाइट पे देखेंगे, ईथर कनेक्ट के वेबसाइट पे देखेंगे तो इसका प्राइस जो चल रहा है 61 सेंट का चल रहा है, ठीक है। और इसका लाइव मार्केट प्राइस में 39 सेंट का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप उसी हिसाब से विड्रॉल करिएगा, करना है नहीं करना है वो आपका ही डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं विड्रॉल, जैसे ही आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिलेगा आपको इसी प्राइस रेंज में बेचने का मौका मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, जो कि यहाँ पे 39 सेंट का चल रहा है। अब कैसे बेचना है वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पर जाके आपको आ जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और इसके बाद आपको आ जाना है डैप्स पे, ठीक है। डैप्स पे क्लिक करना है। डैप्स पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और पॉपुलर वाले सेक्शन में आपको पैनकेक स्वैप दिख रहा होगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें जो है ECC डिपॉजिट हो जाना चाहिए, करीब अमाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पॉपुलर वाले सेक्शन में जाने के बाद पैनकेक स्वैप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा, और इस टाइप का खुलेगा। फिर आपको क्या है, वॉलेट इसमें कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वॉलेट आप कनेक्ट कर लीजिएगा। वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, जैसे मैं अभी डिसकनेक्ट कर देता हूँ इसको, इस टाइप का दिखेगा। अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो इस टाइप का दिखेगा। फिर उसके बाद आपको वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर पूछेगा ये ऑप्शन, तो ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपको प्रॉब्लम और आ सकती है, जो ये स्मार्ट चेन है। अगर यहाँ पर इथेरियम का सिंबल आ रहा है तो इसको स्मार्ट चेन में आप बदल दीजिएगा। क्या करना है, डायरेक्टली उसी के ऊपर क्लिक करना है, और मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे इथेरियम के बदले, तो आपको स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर देना। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको BNB मतलब ECC है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए ECC, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके पास ECC आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप में नहीं आ रहा है तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, तो आपको ECC का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ECC डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BNB में आपको मिल रहा है 0.3 × 0.095, ठीक है ना। यही मैं BUSD में डाल देता हूँ, जैसे USDT होता है उसी तरीके से BUSD होता है, सेम है। तो अभी देख सकते हैं ये 38 सेंट का यहाँ पे सेल हो रहा है, यानी अगर आपके पास एक ECC है तो आपको 38 सेंट में सेल होगा। तो ये चीज़ है, आपको क्या करना होगा, अगर आपको सेल करना है तो ECC उसके लिए ऊपर रहेगा, और अगर बाई करना है तो उसके लिए BNB या BUSD बाई ऊपर रहेगा, ठीक है ना। जैसे मेरे को अभी बाई करना है तो मैं BUSD को ऊपर कर दिया और मैक्सिमम पे क्लिक किया, तो मेरे को अभी 130 ECC टोकन मिल जाएगा, ठीक है, 38 सेंट के हिसाब से। तो मुझे बाई वही नहीं करना है, मैंने अपना सेल कर चुका हूँ बिल्कुल। तो आपका क्या डिसीजन रहना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको BNB चाहिए तो आप BNB में यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ आपके पास BNB में होना चाहिए अमाउंट, ताकि वो गैस फीस जो है वो काटेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपको सेल करने का, तो आप विड्रॉ करके सेल आउट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको विड्रॉल करना है नहीं करना है वो आपका ओपिनियन होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया कि इसका जो प्राइस है 110% गिर जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इथरकनेक्ट की वेबसाइट पे ही चल रहा था, अभी एक दिन दो दिन पहले अगर देखेंगे तो 45 सेंट का चल रहा था, लेकिन अभी 39 सेंट का चल रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस और भी गिरे, क्योंकि विड्रॉल अभी कई लोगों ने लिया नहीं है। तो जैसे ही लोग विड्रॉल लेना शुरू करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइस और गिरना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में ECC का। और अगर आपको बाई करके अगर और भी डिपॉजिट करना हो इथर कनेक्ट में, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 30 सेंट 40 सेंट जितने में भी बाई किया, बाई करने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और डिपॉजिट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ECC का ऑप्शन आया हुआ है, ECC स्मार्ट चेन करके, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से कनेक्ट इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कितने USDT का जमा करना है। सपोज दैट मैं 50 डालता हूँ, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो 84 ECC यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा आपको, ठीक है ना। तो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि एक साल के लिए फिर से लॉक हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको अर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये था कम्प्लीट वीडियो, कैसे आपको इथर ECC को विड्रॉल करना है, कैसे सेल करना है, और विड्रॉल मिल रहा है। आप वॉलेट एड्रेस बिल्कुल सही डिपॉजिट करी डालिएगा, अदरवाइज आपका जो लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा, और विड्रॉल करना है नहीं करना है वो आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।